अस्सलाम वालेकुम, ऑल अबाउट गार्डनिंग में खुश आमदीद। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पेंसिल कैक्टस के हवाले से, इसकी मुकम्मल केयर के हवाले से। ये एक तकरीबन 8 से 10 इंच का पॉट है, तो ये पेंसिल कैक्टस का प्लांट इसमें तकरीबन पिछले 1.5 साल से लगा हुआ है। इसकी लगाने के तरीक़ाकार के हवाले से आपसे बात करें तो आप इसको बड़ी ही आसानी के साथ कटिंग से लगा सकते हैं। आप इसकी ये वाली ब्रांच लीजिए, यहाँ से इसको आप ऐसे ही सोइल में लगा दें तो ये अच्छे से ग्रो हो जाएगी। ये कटिंग से ग्रो होता है, आप इसकी मार्च में या बहार होती है तो आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं। आजकल भी इसकी ग्रोथ के डेज़ हैं, आजकल भी आप लगा सकते हैं। ये देखिए, इस पर ताज़ा ताज़ा छोटे छोटे से बर्ड्स बन रहे हैं। इसके पत्ते नहीं होते, ये मेरे पास पहले भी एक प्लांट था, बड़ा प्लांट था, वो गिफ्ट हो गया था, एक अजीज़ आए थे, मैंने उनको गिफ्ट कर दिया था। ये बाद में मुझे कटिंग आई थी कराची से, इमरान साहिल भाई हैं, बहुत ही अच्छे भाई हैं, उन्होंने भेजी थी मुझे कराची में, कराची से ना, तो मैंने ये लगाई थी। इसके ऊपर पत्ते तो नहीं आते, लेकिन बस ये जो आखिर पे टिप्स हैं वहाँ पर छोटे छोटे पत्ते आपको छोटे छोटे से स्मॉल साइज़ के ऐसे निकू निकू से देखने को मिलेंगे, जैसा कि ये हैं। तो ये हर किस्म की मतलब जगह पे हो जाता है, बस मिट्टी में आप इसको, मिट्टी की बात करें तो ये बिल्कुल बिल्कुल खालस प्योर बाल मिट्टी है, इसमें कोई थोड़ी सी परसेंट पत्तों की खाद थी। आप इसको बाल मिट्टी में लगा सकते हैं, बस इसका वेल ड्रेन होना चाहिए, मतलब पौधों के लिए जितने भी पोटेड प्लांट्स होते हैं गमलों में लगे हुए पौधे, मतलब उसमें ज़्यादा पानी दिया तक खड़ा ना रहे। दूसरी में आपको एक इसकी जो अहम बात है वो बताऊं कि इसके अंदर से ये किस तरह का वाइटिश सा, ये देखे लिक्विड सा निकलता है, ये ज़रा पॉइजनस होता है, इससे आपको एलर्जी हो सकती है। जिस तरह ये देखिए यहाँ से निकल रहा है, अगर आपके हाथ पे या जिस्म पे कभी लग जाए कोई गोडी करते हुए या इसके साथ पानी वगैरह देते हुए, तो आपने हाथ को अपने साबुन वगैरह से अच्छे से वॉश कर लेना है, आइज़ से, अपनी आइज़ में नहीं जाने देना, इससे दूर रखना है। ये इसकी जो रोशनी की रिक्वायरमेंट है उस पर बात करें तो ये बिल्कुल छत पे है, लेकिन यहाँ पे बराह रास्त तो इतनी धूप नहीं आती, कम आती है, तो इसमें भी ये अच्छे से ग्रो कर रहा है। ये बिल्कुल ही इस साइज़ की कटिंग थी, इस साइज़ की ये मैंने जब लगाई थी। अब देखें माशाल्लाह से ये एक अच्छा प्लांट बन गया है, तो मैं अब इंशाल्लाह इसे बड़े साइज़ के गमले में रिपोर्ट कर दूँगा किसी दिन। तो आप इसको बाल मिट्टी में लगाएं, खाद की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती, आप अपनी छत पे इसको रख सकते हैं, बाहर दरवाज़े के पास रख सकते हैं, अपनी कलेक्शन में इजाफ़ा कर सकते हैं। पानी का भी इसे कोई ख़ास नहीं, मतलब कि आपने डेली देना है, या बिल्कुल सोयल इसकी खुश्क हो जाए जब याद आए तो मैं इसकी अच्छे से वाटरिंग कर देता हूँ, लेकिन ये बिल्कुल केयरलेस प्लांट है, इसकी कोई ख़ास केयर नहीं है, केयरलेस प्लांट है। बल्कि मैंने इसको कभी देखा नहीं, आप इसके गमले का हाल देखें, ये क्या हो गया, ये देखें ख़राब हो गया है, तो ये ऐसे ही इसमें मैंने लगा के रख दिया और भूल गए, कभी भी नहीं मैंने इसको देखा। ये बिल्कुल ही छोटे डिस्पोजेबल जो कप होते हैं उसमें लगा दिया था मैंने, फिर ये बड़ा हो गया काफ़ी, तो फिर मैंने इसको इस पॉट में लगा दिया। अब ज़रा और इसकी अच्छी ग्रोथ के लिए मैं चाहता हूँ कि इसको ज़रा और बड़े गमले में लगा दूँ, किसी दिन मैं इसको ज़रा बड़े खूबसूरत से गमले में लगा के रख दूँगा। अब इस पे ग्रोथ हो रही है, ये देखिए इस पे नई नए सी ये पत्तियाँ सी बर्ड से आ रहे हैं, ये देखिए। ये पेंसिल कैक्टस मतलब इसे कहते हैं, लेकिन ये कैक्टस वैसे है नहीं, इसे यूफोरबिया भी कहते हैं, ये यूफोरबिया फैमिली से है, तो इसे मुख्तलिफ डेकोरेशन में लोग लगाते हैं इसे गमलों वगैरह में, मतलब ये एक पुराने से दरख्त की मानद आपको लुक देता है, तो आप ही लगाइए। किसी पार्क में जाएंगे तो आपको वहाँ पे ये लाजमी मिल जाएगा, ये जितने भी पब्लिक पार्क्स हैं वहाँ पे ये अमूमी तौर पे ना ये लगा हुआ है, मैंने देखे हैं वो सदा पार्क्स में ये लगा होता है, तो आप वहाँ से इसकी कटिंग ले आएँ, इतनी सी कटिंग ले आएँ और ला के लगा दें, तो इंशाल्लाह ये बहुत आसानी के साथ ग्रो कर जाएगा। अगर आपको पेंसिल कैक्टस के हवाले से कोई भी बात पूछनी हो या आपको इसकी कटिंग चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।